वेलकम टू माय चैनल हैदराबादी फूड स्टोरीज। आज अपन आए लुलु मॉल के फूड कोर्ट को। वहाँ पे अपन लोग मेन्यू देख लेके, इधर क्या क्या प्लेसेस है, क्या क्या स्टोर्स है, पूरा देख लेके, पूरा फिरने के लिए ताकत होना बोल के पहले थिकशेक फैक्ट्री को आ गए भाई, और अपना फेवरेट पीनट बटर ऑर्डर कर लिए भाई। मेरे को पीनट बटर का टेस्ट बहुत पसंद रहता, लव एट फर्स्ट सिप, सही में ऐसा पीते कि प्यार हो जाता, उतना मस्त दिखता मेरे को। और यहाँ पे आराम से बैठ के पहले एक थिकशेक पी लिए ना भाई, पूरा मॉल घूमने की ताकत आ जाती। और इतना थिक रहता, अपने को स्ट्रॉ भी बसने होता, इसलिए अपने को एक स्पून भी देते, मस्त रहता भाई। इतना थिक तो कोई भी नहीं रहता, और ये बहुत ब्रांडेड है, मानेवा है, बहुत लोगों को इसका टेस्ट मालूम है। आप लोगों को कैसा दिखता कमेंट में बोलो। और इधर बहुत सारे स्टोर्स ओपन होने का है भाई, जैसे कि कृतुंगा, गबरूदी छाप, KFC और बहुत कुछ है। आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखो, आप लोगों को मालूम हो जाता। यही फ्लोर पे आप लोगों को सिनेपोलिस भी है, ये थर्ड फ्लोर पे है। फोर्थ फ्लोर पे फंटूरा है, इसका मैं वीडियो ऑलरेडी डाल दिए सो हूँ, आप लोग जाके चेक कर लो। ये देखते देखते जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, आप लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू। आप लोग ऐसी सपोर्ट करे तो और नए नए वीडियोज़ बनाती। और आप लोग भी चाह रहे कि मैं कोई नए प्लेस का वीडियो बनाऊँ बोले तो कमेंट में बोलो, मैं आपके कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करती। और ये मंथ में 30 डेज 30 वीडियोज़ का चैलेंज कर रही। November 2 को Day 2 का वीडियो है, आप लोगों को कैसा दिखा कमेंट बोलो। और आप लोग प्लीज़ मेरे को ऐसी सपोर्ट करो भाई, 30 डेज चैलेंज मेरे को कैसा भी कंप्लीट करने का है। आप लोग सजेशंस दो, दिवाली आ रही, उसके शॉपिंग का भी वीडियोस बनाएंगे, लाइटिंग्स का, जो भी ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही है वो सबके वीडियोस बनाएंगे भाई। और आप लोगों को फुल लॉन एंटरटेनमेंट होने वाला है। और इधर तो पूरा पंजाबी फूड ज़बरदस्त है। नेक्स्ट है बीजिंग बाइट्स, पूरे चाइनीज़ आइटम्स रहते। और इधर का रश देख के तो आप लोग समझ सकते इन लोगों के पास में कितनी पब्लिक आ रही, और यहाँ पे पूरा रीजनेबल और ज़बरदस्त मिलने वाला है। एक ज़बरदस्त मूवी देख लेके यहाँ पे आके अच्छा टहलते हुए कुछ भी खा के चले गए ना भाई, मज़ा आ जाता। और ये है खान साहब, इन लोगों का बिरयानी बहुत फेमस है कहते भाई, ये एक प्रॉपर मुगलई क्विजीन दिख रहा, और डिशेस भी बहुत ही है। और ये है क्लब सुलेमानी, इन लोगों के पास में बबल टी है, और 51 वेराइटीज़ के टीज भी है। इन लोगों का मेनू तो मेरे को बहुत खिराक दिखा, डिस्प्ले तो अंगार है, फुल ऑन कलरफुल है चीज़ें इन लोगों के पास में। चाय की तो ऐसी लाइन लगी हुई है भाई, इन लोगों का मेनू भी बहुत है, इतने वेराइटी के टी भी रहते बोल के मैं पहली बार देख रही, ऐसा भी पी सकते बोल के। और इन लोगों के पास में पिज़्ज़ा, पास्ता वगैरह भी है, ज़बरदस्त है इन लोगों का तो। ये है पिज़्ज़ा रिकोटा, इन लोगों के आइटम्स 99 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहे भाई। इन लोगों का मेनू भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत वेराइटीज़ है पिज़्ज़ास में भी, और है ना इतना कलरफुल दिख रहा। इन लोगों के पास में बेवरेजेस भी है, और ज़बरदस्त आइटम्स है डिस्प्ले में ही। ऐसा खाते सो देखे तो किसको भी पिज़्ज़ा खाना दिल बोलना वैसा है, पैकेजिंग भी ज़बरदस्त है। और ये है फलूदा नेशन, बहुत सारे वैरायटीज़ के फलूदाज है भाई इन लोगों के पास में, और प्रेजेंटेशन तो मौत है। इन लोगों का मेनू भी एकदम ज़बरदस्त है, बहुत सारे आइटम्स होके। आप लोगों के पास में तो ऑप्शंस ही ऑप्शंस रहते भाई, इधर आ गए बोले तो। उतने ऑप्शंस देख के आप लोग कन्फ्यूज हो रहे, तो आप लोगों को एक स्टैंडर्ड सब्वे भी है, जो कि अपन बहुत बार खाए सो है, एक भी सब ट्राई कर लिए बोले तो सेटल रहता भाई। और इन लोगों के सिग्नेचर कुकीज़ तो मेरे को बहुत पसंद आते, और बहुत अच्छा रहता भाई इधर का तो। और ये है रोल्स किंग, जिसको भी रोल्स पसंद है, अच्छे से रोटी सालन लगा के खा लिए तो पेट भर जाता बोल के आप लोग समझते, आप लोगों का चॉइस वैसा है तो। यहाँ पे बहुत वैरायटी के रोल्स भी है, और प्राइजेस भी एकदम सही हैं, आप लोग ये ट्राई कर सकते। और नेक्स्ट है गो पिज़्ज़ा, जिसका ने रश तो ऐसी थी, फ्री में बांट रहे सर का था भाई। कहीं को बोले तो ये डिस्प्ले में जो पिज़्ज़ास दिख रहे हैं ना भाई, वो देख के लोगों को मुंह में पानी आ जा रहा था। और इन लोगों के वैरायटीज भी बहुत है। और ये है अलबैक, सिंस 1991 कते। इन लोगों के पास में पूरा फ्राइड चिकन है, ज़बरदस्त आइटम्स है, और ना क्या है बोले तो, ये नाम से ही देखे तो अपने को कुछ अरब का ब्रांड दिख रहा। और मेनू में आइटम्स भी बहुत है, और प्राइजेस भी सही है भाई। और नेक्स्ट है वाव मोमो और वाव चाइना, ऐसा खाते कि मुँह में से वाव बोल के निकलता कते। मोमोज में भी इतने वैरायटीज रहते बोल के इधर ही मालूम पड़ता भाई। आप लोग मेनू देख लिए तो आप लोगों को कुछ आइडिया आ जाता, फ्राइड मोमोज, स्टीम्ड मोमोज, चॉकलेट मोमोज, और बहुत सारे वैरायटीज है भाई, ऐसा भी रहता बोल के मैं फर्स्ट टाइम देखी। और वाव चाइना का तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम स्पाइसी, सही अपने हिसाब से बना ले सकते, माई देसी चाइनीज़। और ये प्लेस में गबरूदी छाप ओपन होने वाला है,
फलूदा के भी कितने वैरायटीज बना के रखे भैया, ऐसा देखते कि मज़ा आ जा रहा। जूस और जूस कहते ये स्टोर भी इतना कलरफुल और इतने वैरायटी जूसेस है, आप देखे तो ऐसा मुँह में पानी आ जाना। आप लोग मेनू देख लो, आप लोगों को आइडिया आ जाता। ये पी लिए ना भाई, एकदम हेल्दी रहता और पूरे ड्राई फ्रूट्स के साथ में जो कॉम्बोज बनाते मौत रहता। वीकेंड्स पे तो भाई डकलम डकली है, इतनी पब्लिक रहती भाई, बैठने को एक टेबल भी नहीं मिलता। और इन लोगों के पास में अपना टर्किश आइसक्रीम भी है, जो बच्चों को सता के आइसक्रीम देते नहीं, वो तो मेरे को बहुत मज़ा आता, खाली ऐसा देख लेते ठहरे तो भी मज़ा आता। आज इन बच्चे को नहीं, एक बड़े आदमी को सता रहे, कैसा सता रहे अपन देखेंगे। ये देखते रहे तो कितना मज़ा आता ना भाई, फुल लॉन एंटरटेनमेंट रहता। देखो बच्चे बड़े सब जने ठहर के ऐसा चंबा देख रहे इन लोगों को, मज़ा आ जा रही। जो लाचार निगाहों से इन्हें पीछे देखा, वो देखते कि तो मेरी हंसी छुट गई भाई, उन्हें क्या समझ लिया कि क्या नहीं की। लेकिन ये सब करने में इन लोगों के कितने आइसक्रीम खराब हो जाते कि गिर जाते कि समझ में नहीं आता। कोई कोई किराक रहे तो उसके हाथ में से गप बोल के छीन लेते नहीं, मज़ा आते। मेरे सरद सिटी मॉल के वीडियो में भी ये वाला एंटरटेनमेंट है भाई, मज़ा आ जाती। आप लोग देखो, वो छोटे बच्ची के साथ में था, फुल ऑन एंटरटेनमेंट था। ये भी बहुत सही है, ये सब करके भी दे रहा नहीं दे रहा बोल के बच्चा परेशान हो जा रहा। आखिरी में ले के जंग जीते जैसी खुशी थी उसके चेहरे पे। अभी अपन आ गए कैंडी हाउस को। इन लोगों के पास में वैरायटी वैरायटी के कलरफुल अलग अलग शेप्स के बहुत सारे कैंडीज थे भाई। छोटे बच्चे तो ऐसा यही छोना बोल के बढ़ जाते, उतना ज़बरदस्त था। अभी इधर है बॉम्बे कुल्फी। इन लोगों के पास में कुल्फीज के बहुत वैरायटीज़ है, आप लोग स्क्रीन पॉज करके देख ले सकते हैं। प्राइजेस भी है, सीजनल कुल्फीज भी है और बीके नेचुरल्स भी है। स्लाइसेस क्या है बताओ? गुआ फ्लेवर है। हाँ। उसको प्लेट में कट करके देना है। मिर्ची नमक डाल के, मिर्ची नमक डाल के देते हैं। ये गुआ फ्लेवर है। ये केसर पिस्ता फ्लेवर है। अच्छा। ये बादाम पिस्ता है। अच्छा। मैंगो का है। ओके ओके। गुलकंद का है। गुलकंद ओके। और ये शुगर फ्री मलाई है। शुगर फ्री मलाई ओके। मलाई बादाम है, ये मलाई बादाम। ओके ओके। ये मलाई फ्लेवर। सीधा बताओ, मलाई फ्लेवर। मलाई। और ये बेल्जियन फ्राइज के पास में ऐसा रश था भाई, गुड़ को मक्खियाँ लपट लिए सर का लपट ली पब्लिक। और बास्किन रॉबिन्स के तो पूरे वैरायटीज आप लोगों को मालूम ही है भाई, जगह जगह पे इन लोगों के स्टोर्स रहते और अपन सबको पसंद आए सो रहता। ये 31 बोल के जो है नहीं, बीच में बास्किन और रॉबिन का, वो उन लोगों के नंबर ऑफ वैरायटीज है कते, मेरे को भी रिसेंटली मालूम हुआ। और इन लोगों के जो केक्स है ना भाई, इतने क्लासी रहते, टेस्ट में भी मौत अंगार रहते। इधर है बबल बे। इन लोगों के पास में वैरायटी क्या है बोले तो रोल आइसक्रीम्स है, जो कि बहुत कलरफुल और ज़बरदस्त दिख रहे। और इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम्स हैं इन लोगों के पास में, आप लोग स्क्रीन पॉज करके देख लो। और इन लोगों का मेनू डिस्प्ले इतना कलरफुल है, मज़ा आ गया। अभी अपन लोग ये रोल मेकिंग का वीडियो देखेंगे। ये देखने के लिए पब्लिक ऐसी जमा हो गई थी, क्या कि सर्कस में जमा होती नहीं। कई को बोले तो ये जो तरीके से बना रहे थे ना भाई, वो ऐसा आई अपीलिंग था, मज़ा आ गया देख के। और ज़बरदस्त बनाए भाई चिच्चा। ये स्टोन आइसक्रीम के जैसा ही स्टोन ले लेके इसके ऊपर अपने वैरायटीज़ के फ्लेवर्स वगैरह डाल लेके अच्छे से लीप लेके इसको ऐसा नीचे से खिकरते रहे तो उसका सेटिस्फैक्शन ही अलग रहता देखने का। और ज़बरदस्त रहता भाई, खाने में भी एकदम क्लासी रहता। आप लोग खा के देखो आप लोगों को कैसा दिखा। ये लुल्लू मॉल के फूड कोर्ट का कौन सा प्लेस आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा दिखा, आप लोग कमेंट में बोलो। वीकेंड्स तो सॉर्टेड है भाई, आ गए बोले तो फुल ऑन एंजॉय कर सकते हैं, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।